डिफिकल्टीज इन जीएसटी या फिर जीएसटी के दोष या कठिनाइयां, है ना, जो भी बोलो, डीमेरिट्स बोलो, मेरिट या शॉर्टकमिंग्स बोलो या फिर लिमिटेशंस बोलो. फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा डिफिकल्टीज में? लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है. शुरू शुरू में जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए थे, जितने भी व्यापारी थे जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवाया था, बिजनेस पर्सन, उनका प्रॉब्लम हो चुका था. लॉन्ग टर्म रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन करो उनको पता ही नहीं था कि वो कौन से कैटेगरी में आते हैं. देखो जीएसटी में क्या होगा, गवर्नमेंट ने बोला कि 20 लाख तक को इसमें डालना है, 40 लाख तक को इसमें डालना है, तो ऐसा करके बहुत बड़ा प्रोसीजर था. फिर रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन पास होगा तब आगे के प्रोसीजर्स होंगे, फिर हर महीने जीएसटी भरना है, किसी को क्या रेट से लेना है, तो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस था. ठीक है, इसलिए जैसे बोल सकते हैं इसको गणना संबंधी कठिनाइयाँ, कैलकुलेशन में भी बहुत डिफिकल्टी था. तो इसलिए फर्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस, डिफिकल्टी इन सेट ऑफ कुछ ऐसे केसेस हुए जिसमें क्या हुआ, लोगों ने कलेक्ट तो कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया. लोगों ने बोला, अपने सडनली प्राइस राइज कर दिया कि जीएसटी बढ़ गया है, बट उसका कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं था प्राइस राइज पे. लेकिन जो लोगों के अंदर डर बैठा था कि ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा इसलिए प्राइस ज़्यादा करो, तो इधर से गवर्नमेंट को तो अमाउंट गया ही नहीं, बट डीलर्स ने बहुत सारा अमाउंट अपने पास रख लिया था. तो उनको भी एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि पे ऑफ कैसे करना है आगे चल के. तो डिफिकल्टी इन सेट ऑफ मतलब बहुत प्रॉब्लम हुआ था. दूसरा क्या था, प्रॉब्लम इन रिफंड, किसी ने एक्स्ट्रा पे कर दिया तो उसको रिफंड का प्रॉब्लम था. रिफंड क्या होता है, टैक्स को वापस लेना. तो प्रॉब्लम इन रिफंड में भी बहुत दिक्कत हो गया था. रिफंड समझते हो कि नहीं समझते हो? फिर देखो हाई रेट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी की ऊंची दरें. गवर्नमेंट बोलती है वन नेशन है वन टैक्स है, लेकिन टैक्स के रेट बहुत ज़्यादा हैं कहीं कहीं पे. 28% है, पहले 18% तक होता था, ठीक, तो 28% था, 30% था, फिर धीरे धीरे चेंजेस होते जा रहे हैं, कभी कम हो रहा है कभी बढ़ रहा है. तो इसलिए लोगों के अंदर भी उसको लेके एक डर है. तो ऊंची दरें मतलब हाई रेट्स ऑफ जीएसटी. दूसरा फुली कंप्यूटराइज्ड है ना, पेपर वर्क नहीं है, फुली कंप्यूटराइज्ड. तो इंडिया में 60 से 70% बिजनेस पर्सन्स को तो कंप्यूटर हैंडल करने आता ही नहीं, तो उनका सडनली कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि उनको एक अकाउंटेंट रखना पड़ा या फिर उनको कंप्यूटर्स के साथ डील करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई. तो फुली कंप्यूटराइज्ड था इसलिए भी प्रॉब्लम था. दूसरा अकाउंटिंग प्रॉब्लम था, पहले क्या होता था, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको पता होता था कि उसको स्टेट गवर्नमेंट को देनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो खरीद रहा और बेच रहा है वो किसके पास जाता था. तो मैंने कल एक बताया था कि पहले क्या होता था, आधा पोर्शन टैक्स का प्रोड्यूसर या प्रोड्यूस करने का जो टैक्स था वो कौन लेता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, और अगर खरीदना या बेचना है तो उसका टैक्स कलेक्ट करती थी राज्य सरकार. तो कोई इशू नहीं था, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हो गया कि सब कुछ एक ही जगह जा रहा है और फिर वो डिवाइड हो रहा है. तो लोगों को अकाउंटिंग में प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपने गुड्स को परचेज में एनालाइज करवाएं कि प्रोड्यूसर में एनालाइज करवाएं, क्योंकि अभी पढ़ने में ये चीज़ बहुत इजी लग रही है, जब हम इसको एक्चुअली करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क करते हैं इस पर, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम जाती है. तो इसलिए अकाउंटिंग का बहुत बड़ा इशू था इसमें. फॉर्मेलिटीज और पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, मोर फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क ज़्यादा है इसमें. 8 पॉइंट, करप्शन, कैसे होगा करप्शन जीएसटी से बताओ कोई. बताएगा कोई? करप्शन कैसे होगा जीएसटी से, बोलो कोई. युद्धवीर, मौसमी, नेहा, कविता, इमरन, चितेश, अभिषेक, कैसे होगा करप्शन जीएसटी से? हाउ?
क्या होता है करप्शन बताओ। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल। स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य सरकार से और सेंट्रल का मतलब केंद्र सरकार से। तो जितने भी स्टेट्स थे जिन्होंने अपोज किया था कि जीएसटी नहीं आना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा प्रोसीजर, प्लस जितना भी टैक्स होता है उसका बहुत सारा शेयर कम हो जाएगा। तो इनके बीच में एक डील हुई सेंट्रल और स्टेट के बीच में कि आने वाले 5-6 साल तक जितना भी जीएसटी का इनको लॉस है, मतलब इन लोग पहले सेल्स टैक्स वगैरह से जितना भी इनकम मिलता था तो उसके उसमें इन लोगों ने एक एग्जेम वो बनाया और एक लिमिट सेट की कि अगर इतना जीएसटी कलेक्शन नहीं होगा, अगर इससे कम होगा तो जो बीच का बचा हुआ अमाउंट है वो कॉम्पनसेशन इनको मिलेगा। कौन पे करेगा? स्टेट को, सेंट्रल। क्लियर हुआ? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल में डाउट है तो पूछो, ऐसे चुप करके मत बैठो क्लास में। मैम अगर स्टेट को जीएसटी कलेक्ट नहीं हो पाया तो सेंट्रल्स को पे करेगा उतना? कॉम्पनसेट करेगा, कॉम्पनसेट यस मैम राइट। करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जरूरी नहीं कि वो पैसा उठा के दे देगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है, लोन प्रोवाइड करवा देता है आरबीआई से या वर्ल्ड बैंक से या कहीं से भी, फिर तुम उसको धीरे धीरे पे करते जाना, क्योंकि उसको अगर कम मिल रहा है तो गवर्नमेंट को भी तो कम ही मिलेगा ना। तो कॉम्पनसेट करवाने के तरीके होते हैं। आगे देखो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल के बाद एक है प्रशासनिक जटिलता। क्या होगा प्रशासनिक जटिलता बताओ? जटिलता क्या होगा? प्रशासनिक जटिलता बताओ, क्या होता है ये? एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर क्या प्रॉब्लम आ सकती है? देखो जो टैक्स के ऑफिसर्स हैं वही कंफ्यूजन में है कि किस पे कितना टैक्स लें और कब किसको किसके अंदर डालें। तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी टैक्स बना के दे देते हैं, तो और उसका जो प्रॉब्लम होता है वो कौन फेस करता है? कॉमन मैन, जो टैक्स पेयर है। तो उनको ही नहीं समझ में आ रहा है तो वो किसी को क्या ही एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक पूरा इलैबोरेट नहीं हुआ है। प्लस ऊपर से जब थोड़ा बहुत समझ में आने लग रहा था तो अभी जैसे कोविड की सिचुएशन आ गई पैंडमिक, तो उसमें और प्रॉब्लम हो गई। तो ये थे डिफिकल्टीज इन जीएसटी। इसके बाद नेक्स्ट देखो, कोई सजेशंस बता सकता है कि जीएसटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सजेशंस टू जीएसटी बताएगा कोई? मैम टाइम पे करे और सारा जो भी है मतलब एक शो करे नहीं, वो तो स्टेटमेंट। सिर्फ तुम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो जो एक कॉमन मैन को करता है। नहीं, गवर्नमेंट को क्या इम्प्रूव मैम करने चाहिए गवर्नमेंट कि मैम लोगों को प्रॉब्लम कैंपेन्स नहीं मैम आए? उसको कैंपेन्स मैम कैंपेन उसको कैंपेन्स करना चाहिए और समझाना चाहिए मैम पूरा कि किस तरह का है, पूरा एलोब्रेट करके समझाना चाहिए मैम कि जीएसटी इस टाइप का है, कैसा है वो, लोग ताकि जाएंगे, हम कॉमन मैन को भी पूरा समझ आ जाए मैम। लोग जाएंगे मैम तो मीडिया के थ्रू भी कर सकता है। जैसे जैसे गवर्नमेंट का जो टैक्स अर्निंग है वो बहुत कम हो चुका है, तो हाउ, कैसे? सबसे पहले तो जो जीएसटी लॉ है उसको सिंपल करना है ना, जो लॉ है उसको सिंपल करना, जीएसटी कानून को सरल बनाने की आवश्यकता, नीड नीड टू मेक जीएसटी लॉ सिंपल, है ना। दूसरा, जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है उसको कन्वर्ट करके शॉर्ट टर्म में करना। समझ में आ रहा है? जो लॉन्ग टर्म में है उसको क्या करना है?
शॉर्ट टर्म में करना है, प्रोसीजर, प्रोसीजर प्रक्रिया बोल सकते हो, जो फॉर्मेलिटी को भी थोड़ा कम करना है मैम। हाँ इसी में आएगा वो। यस मैम। और क्या हो सकता है बताओ। जो टैक्स स्लैब है, जो दरें हैं किसकी, जीएसटी की, उसको डिफाइन कर दे अच्छे से। कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो उससे क्या होती है लोगों के में प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो व्यापारी या जो बिजनेसमैन होते हैं वो कहते हैं कि यार 2 महीने के बाद ही लेट से टैक्स पे करते तो कम से कम इतना टैक्स तो बच जाता है। जैसे नेक्स्ट लास्ट मंथ होगा 10% और इस मंथ होगी टैक्स 6%, तो उनको लॉस हो गया ना जो टाइम पे कर रहे हैं। तो जो कर का दर है मतलब जो टैक्स रेट है उसको क्या कर दे, युक्तिकरण कर दे, मतलब यूनिफॉर्मिटी लेके आ जाए, यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स सिस्टम, टैक्स रेट। समझ में आ रहा है? यस मैम। और कुछ कोई बता सकता है? यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स रेट। दूसरा, जो मंथली बेस पे टैक्स पे करते हैं उसको मंथली ना करके 3 मंथ्स कर दें। कुछ कुछ ऐसे व्यापारी हैं, ऐसे बिजनेस बनते हैं जिसमें उनको क्या करता है, टैक्स टैक्स पेइंग शुड बी इन मंथली, है ना। इन सॉरी क्वार्टरली होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ मंथली। देखो जो जीएसटी सिस्टम है वो लॉन्ग रन में बहुत सही है। लॉन्ग रन समझते हो? लॉन्ग रन का मतलब है यहाँ पे आगे चल के जब 5-6 साल हो जाएंगे उसके बाद जीएसटी के बेनिफिट्स दिखने लगेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जीएसटी के बेनिफिट्स दिख नहीं रहे क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुई है कोई चीज। जब हम किसी भी चीज का स्टार्ट करते हैं तो उसमें हॉचपॉच हो जाती है, ऊपर से सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, आइसिंग ऑन द केक। क्या पैंडमिक आ गया तो जितना कलेक्शन का हुआ था स्टार्ट सब कुछ गलत, सब कुछ गया, तो और स्टेट्स का जो इनकम था वो खत्म, प्लस पैंडमिक की वजह से इतना लॉस हो गया गवर्नमेंट्स को। तो समझ में आ रही है? तो देखो गवर्नमेंट के को पैसे भी तो चाहिए खर्च करने के लिए, तो वो कैसे लेके आती है, थ्रू टैक्स। और वो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का मेन टैक्स पहले कहाँ से आता था, ये पुराना टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स क्या होता था, परचेज और सेल करना। जब व्यापारी या रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड जो सेलर्स होते थे या बायर्स होते थे उनका पूरा टैक्स स्टेट के पास जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, पूरा एक जगह जमा हो रहा है और उसके बाद वो 50-50 हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो गवर्नमेंट का जो रेशियो है वो तो बढ़ गया, लेकिन गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का रेशियो तो बढ़ गया लेकिन राज्य सरकार का रेशियो बहुत कम हो गया, इसलिए उसके पास अमाउंट ही नहीं है पे करने के लिए। नेक्स्ट देखो, किसी को डाउट है? No. देखो डिफेक्ट इन इनपुट टैक्स सिस्टम, क्यों इसमें क्या डिफेक्ट हो सकता है बताओ इनपुट टैक्स सिस्टम में। देखो इनपुट टैक्स सिस्टम मतलब मैंने कल बताया था ना कि इसमें रिबेट लेना होता है। इनपुट टैक्स क्या होता है बेटा, माइनस करना, बताई थी ना मैं कि जो टैक्स हम पे कर चुके हैं उसको हम जो माइनस करते हैं एट द एंड वो जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। और कोई कुछ बोल सकता है? हम कैसे से गलत फायदा उठाते हैं मैम? कैसे उठाते हैं? अरे किसी को बेईमानी करने के लिए कोई पूछेगा क्या? कैसे कैसे भी चीट कर सकते हैं ना, वो बिल्स मैनिपुलेट हो सकते हैं ना, मतलब शो नहीं करके ना, शो नहीं करके। हाँ, या दूसरे व्यापारी ने पे कर दिया कम के बिल रिसीट को ज्यादा का शो करके भी। हाँ बहुत सारे तरीके होते हैं मैनिपुलेट करने के लिए, है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, डीमोनेटाइजेशन याद है क्या होता है? Yes, man. हाँ, तो लोगों ने क्या तरीका अपनाया था, एक बहुत फनी वे था, लोगों ने अपने मनी को पूरा कैश में कन्वर्ट किया था।
स्टार्टिंग में एक हफ्ते के बाद समझ में आया तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया था। बताओ क्या था वो? मैं उस टाइम तो कर मतलब एक्सचेंज वाला चल रहा था ना, मतलब नहीं देखो कुछ पैसा को लोगों लाओ और नया नोट ले जाओ को, करके। हाँ लेकिन 15 डेज तक उस करेंसी का वैल्यू था ना, जो शॉपकीपर्स थे वो ले रहे थे ना पुराना अमाउंट कहीं कहीं पे, हाँ 15 डेज तक का था। तब लोगों ने क्या किया, रेलवे की टिकट्स बुक करना शुरू कर दी। समझ में आ रहा है? उन्होंने रेलवे की टिकट्स बुक की, यस मैम, यस क्या था फिर क्या होता है, रेलवे का जो मैम, बाद अमाउंट में उसको आता है रिफंड। रिफंड आएगा, तो कितना पैसा कटता है रिफंड में? अगर चार्जेस उनके 200-300 भी कटते है ना, तो जिनका ब्लैक मनी था उन्होंने उसको ऐसे व्हाइट में कन्वर्ट करवाया था। यस मैम, किसी को याद नहीं है तो, या किसी को याद पता नहीं है तो समझ में आ रहा है मतलब। ये वाले सुने थे हम यार। सुने थे ना, ये एक्चुअली में हुआ था। तो बाद में गवर्नमेंट को समझ में आया कि लोगों ने तो बहुत सारा अमाउंट ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ लोगों ने क्या किया था, एक चीज और, पैसे बांट दिए थे सबको कि आप लोग जाओ और अपने अकाउंट में डालो, आप मुझे इसका 60% भी दोगे तो भी चले। जिनके पास लिमिट्स थी बैंक में, जिनके अकाउंट में पैसे ही नहीं होते हैं, अगर वो अपने अकाउंट में 2 लाख भी रख लेगा तो गवर्नमेंट क्या ही कर लेगी उसका, कुछ नहीं। तो वो उन्होंने लोगों के साथ डील की कि आप 40 रखो हमको 60 दे दो। तो ऐसे बहुत सारे केसेस सुने थे है कि नहीं? तो बहुत यस मैम, बहुत सारे यस मैम, लूपहोल्स होते हैं चीजों के। नेक्स्ट देखो, अब ये सजेशंस थे, डिफिकल्टीज थी जीएसटी की, और कोई कुछ बोलना चाहेगा बोलो। मैम जो डिफिकल्टीज का जो हम सेकंड और थर्ड पॉइंट एक बार समझाइए ना मैम, क्या है उसमें बताओ, डिफिकल्टी इन सेट सेट ऑफ, ऑफ वाला। इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे डीलर्स होते हैं, उन्होंने जीएसटी तो कलेक्ट कर दिया लेकिन पे किया ही नहीं गवर्नमेंट को, तो एट द एंड क्या हो गया, जो जीएसटी जिन परचेजर ने पे किया था तो आगे चल के उनको ने उसको क्या किया, एक सेकंड देखो, सिंपल प्रोसीजर समझो। स्टार्टिंग से डिस्ट्रीब्यूटर है या परचेजर है ना, उसने जीएसटी पे किया मतलब कलेक्ट किया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया जीएसटी पोर्टल में, ठीक, फिर उन्होंने जीएसटी अलग से कलेक्ट किया, उसका बहुत सारा अमाउंट आ गया उनके पास, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका जीएसटी का जो रिटर्न था उन्होंने पे किया ही नहीं, या अगर पे किया तो बहुत कम अमाउंट में पे किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक रिकॉर्ड्स निकाला कि इस पर्टिकुलर अमाउंट में, सॉरी इस पर्टिकुलर पीरियड में कितने का टर्नओवर हुआ है मार्केट में, मतलब कितने की चीजें खरीदी या बेची गई। तो उससे गवर्नमेंट को एक एनालाइज मिला प्रोड्यूसर्स के थ्रू। सपोज अगर एक लिंक भी, अगर प्रोड्यूसर है एक, अगर उसने कुछ जीएसटी पे किया तो वो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड चले जाएगा कि यस इसने गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया क्योंकि इसने ये गुड्स पर्टिकुलर कहीं बेचा है। तो जिसको बेचा, जो बीच वाली कड़ी थी, समझो उसने टैक्स पे नहीं की, अगर उसने टैक्स पे नहीं की तो जो रिफंड उस प्रोड्यूसर को मिलने वाला होगा वो मिला ही नहीं, क्योंकि बीच में जो परचेजर की गलती हो गई उसकी वजह से जो प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर जिसने टैक्स पे की, अगर उसका कुछ रिफंड आने वाला होगा तो वो उसको नहीं आया, क्योंकि सोचो एक एग्जाम्पल लो, कल वाला ही उसको बेस लेके चलो, ये देखो डिफिकल्टी इन सेट ऑफ पे, अगर उसने वन मैम थाउजेंड पे कंप्लीट करने दो पहले मेरे को, 1000 पे 200 का अगर उसने टैक्स पे किया, ठीक है, तो वो गुड्स जब किसी परचेजर ने उससे लिया 1200 का, तो उसने उस पे कितनी टैक्स पे की होगी बताओ, 240 समथिंग कुछ पे किया होगा, तो इसको 240 पे करना है, इसको 200, तो ऐसे करके जो बीच का डिडक्शन का अमाउंट होता है ना वो इनके पास रिफंड आता है। तो बीच में अगर कोई एक कड़ी पैसे नहीं पे करती है तो ऊपर और ये नीचे इनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर वो सेट ऑफ नहीं हो पाती है ऐसी चीजें। हाँ बोलो, अब बोलो। मैम, मतलब जो इनपुट वाला जो वैल्यू आ रहा था माइनस करने के बाद, वो वही रिफंड में मिलता है ना मैम वापस? हाँ वही रिफंड में मिलता है, तो वो सेट ऑफ ही नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग जो बीच में से पैसे देते नहीं है तो उनकी वजह से यस फर्स्ट और जो थर्ड होता है उसको प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए वो थर्ड यस पॉइंट लिखा था प्रॉब्लम इन रिफंड। यस, और किसी को कुछ पूछना है? नेहा, मौसमी, युद्धवीर, रेशमी, करप्शन वाला संतु, भी बता दीजिए। कौन कौन पूछा? हम मैम करप्शन देखो करप्शन
देखो अब करप्शन कैसे हो सकता है, देखो दो तीन तरीके होते हैं, एग्जाम्पल लेके बोल सकते हैं अपन। बीच में हुआ था ना कि 50,000 से जो कम का गुड्स होगा उसके लिए जीएसटी बिल प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा, सुना था ये वाला पॉइंट? नो मैम, ऐसा वो होता है, ठीक है। जब स्टार्टिंग में जीएसटी स्टार्ट हुआ था तो समझो तब क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने बोला था कि ट्रांसपोर्टेशन से अगर आपका कोई सामान जा रहा है और अगर उसका अमाउंट 50,000 से कम का है तो उसके लिए जीएसटी बिल को जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर समझो अगर तुम्हारे पास 60,000 का भी गुड्स है और तुमने ट्रांसपोर्ट में डलवा दिया और तुम उसमें बोल रहे हो कि हमारा गुड्स को प्राइस कम करके शो कर रहे हो और तुम बोल रहे हो कि मेरा गुड्स 50,000 का है, 60 को तुमने 50 बना दिया और तुमने बिल जनरेट ही नहीं किया, तो कोई कुछ कर पाएगा क्या? नो मैम, तो करप्शन हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो यस मैम, ऐसे बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं, ये एक तरीका था जो मैंने बताया अभी, है ना? तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, या लोग अपनी इनकम को शो ही ना करें, माइनस में शो करें इनकम यानी लॉस, तो उस लॉस पे जीएसटी कोई कैसे पे करेगा? टैक्स तो किस पे की जाती है, इनकम पे ना। या फिर जो एट द एंड लास्ट में जो एक व्यापारी होता है, बिजनेसमैन, एट द एंड जो लास्ट वाली कड़ी होता है, अगर वो उसको टैक्स पे करना है तो वो अपने टर्नओवर पे करेगा, क्या पता उसने 1 साल पूरा वो दिखा दिया लॉस, पे ही नहीं किया, तो करप्शन हुआ कि नहीं हुआ कहीं पे? यस मैम, जैसे पूछेगा ना आज अब आपसे जीएसटी का टॉपिक का, देखो जीएसटी का क्वेश्चन तो आना कंपलसरी है, आएगा ही आएगा, 3 यूनिट है जीएसटी की, 3, 4, 5, और यूनिट 3 पूरा थ्योरी है, याद रखना यूनिट 3 पूरा थ्योरी है रहेगा। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा जो इंट्रोडक्शन और मीनिंग पार्ट है वो तो जीएसटी ही होगा, तो उसका मीनिंग और उसका इंट्रोडक्शन क्या रहेगा आपका? तो देखो जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन था जो लागू हुआ वो कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। दूसरी चीज, कितने साल लग गए गवर्नमेंट को इसमें? 14 ईयर्स लग गए। तीसरी चीज, कौन सी कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ने जिसकी वजह से उन्होंने जीएसटी के लिए सजेशंस दिए, उसमें कुछ चेंजेस किए, फिर उसको इम्प्रूवमेंट किया? देखो तो जीएसटी स्टार्टेड हुआ था 2003 से, बनने का काम शुरू हो गया था 2003 से, उसको लग कितने गए? 14 साल, ठीक। कमेटी किसने करवाई थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनकी वजह से एक जीएसटी की कमेटी कंस्टिट्यूट हुई थी, तब से वो चल रही है। किसकी रिकमेंडेशन? देखो याद रखना गवर्नमेंट के पास उनके सलाहकार होते हैं, आर्थिक सलाहकार, इकोनॉमिक एडवाइजर्स, तो किसकी सलाह पे हुई थी? रिकमेंडेशन डॉक्टर केलकर, ये हेड रहे होंगे और इनकी कमेटी का नाम दे दिए होंगे डॉक्टर केलकर टास्क फोर्स, है ना? देखो ये ना कभी कभी जीके में क्वेश्चंस पूछता है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाएंगे तो याद रखना, तो केलकर कमेटी की वजह से ही ये आया था, इन्होंने ही रिकमेंड किया था। फिर आगे आओ इसमें, फिर क्या हो गया? जीएसटी तो पूरे देश में एक ही टैक्स लगा हर गुड्स पे, वन नेशन वन टैक्स, इसलिए क्या हो गया? वन मार्केट। तो मार्केट अब एक ही रह गया ना, पहले बोलते थे लोग कि अगर हम यहाँ से गुड्स दिल्ली से लेके आए और अपने कंट्री सिटी में बेचें तो हमको बहुत प्रॉफिट होगा, ये सुना है कॉमन लोगों के मुंह से निकलता है ऐसा कुछ, कि वहां से लेके यस हम यहाँ के मैम, बेचा, क्या होता था? वहाँ रेट ज्यादा होते थे दिल्ली वगैरह में और यहाँ कम होते थे, कंपैरेटिवली टू मेट्रो सिटी को यहाँ से कंपेयर करो तो बहुत चीजें अलग होती हैं। लेकिन इससे क्या हो गया? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, अब सब जगह एक जितना ही टैक्स लग रहा है, चाहे दिल्ली हो जाए, चाहे बॉम्बे हो जाए, चाहे दुर्ग हो जाए, चाहे आपका बिलाई या रायपुर, तो एक टैक्स हो गया, तो मार्केट भी एक ही हो गया ना, पहले अलग अलग मार्केट्स होते थे, अब मार्केट क्या हो गया? एक हो गया पूरा, कहीं से भी लो कहीं से भी बेचो प्राइस उतनी ही लगनी है, क्योंकि गुड्स को प्रोड्यूस वहीं पे उतनी हो रही है। देखो किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट उतना ही आएगा प्रोड्यूसर का, अब टैक्स अलग अलग लगता था तो प्राइस आगे पीछे हो जाता था, अब वो भी चले गया। जैसे आप लोग एक दिन मेरे को क्लास में कोई बताया था, पता नहीं कौन था, आप लोगों ने एक बार डिस्कस किया था स्टार्टिंग
स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कि मैम आईफोन तो दूसरे सिटी कंट्री में बहुत सस्ता मिलता है, 5 to 6 thousand का कुछ डिफरेंस आता है, फिर मैंने बताया था। तो मैं बता, किसने बताया था? अंकित भी था उस दिन, था ना कोई ऐसा डिस्कशन चल रहा था, तो हम ही लोग बोल रहे थे उसको, है ना। तो फिर क्या था उस पे देखो, तो इसलिए लोग वहां से लेके आते हैं आईफोन। 5,000 भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि जब आप लोग जॉब करने जाएंगे ना फर्स्ट जॉब, तो आपको एक स्टाइफन मिलेगा, वो भी 5,000 के इक्विवेलेंट ही होगा स्टार्टिंग में, 1 महीना या 2 महीना। तो बहुत वैल्यू रखता है वो 5,000 लोगों के लिए। तो लेकिन अब एक मार्केट होने की वजह से प्राइस में तो कोई डिफरेंस रहेगा ही नहीं, तो लोग चाहे यहाँ से खरीदे चाहे वहाँ से खरीदे। तो ऐसा होता है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। चलो रीजंस क्या हो सकते हैं गवर्नमेंट के? बताओ